प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए देश भर के 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की आज आधारशिला रखी है। इनमें से छत्तीसगढ़ के 9 रेलवे स्टेशन भी शामिल हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग समेत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के 9 स्टेशन का भी कायाकल्प होगा, तो यहां सभी तरह की यात्री सुविधाएं मिलेंगी। रायपुर रेलवे स्टेशन में आयोजित भव्य कार्यक्रम में राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन, सांसद सुनील सोनी, विधायक ब्रिज मोहन अग्रवाल, रेलवे जीएम आलोक कुमार भी शामिल हुए। देखिए, छत्तीसगढ़ और रायपुर के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज रायपुर स्टेशन के साथ साथ छत्तीसगढ़ के और अन्य स्टेशनों को भी माननीय मोदी जी जो है वो बड़ी सौगात दे रहे हैं। हम छत्तीसगढ़ की जनता और पूरी देश की जनता हृदय से आभार व्यक्त करते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कि देश को इस स्वर्णिम युग में लेकर के जा रहे हैं। अमृत काल को एक स्वर्णिम युग बनाने का जो प्रयास वो कर रहे हैं, उसके लिए छत्तीसगढ़ की जनता और देश की जनता कोटि कोटि आभार व्यक्त करती है। रायपुर की जनता की ओर से हम बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करते हैं। निश्चित रूप से आज देश के 508 रेलवे स्टेशनों का जीर्णोद्धार हो रहा है, उसमें हमारा रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, दुर्ग, ये कि अब हमारे जो रेलवे स्टेशन है जिसके माध्यम से सबसे ज्यादा कम्युनिकेशन होता है, सबसे ज्यादा लोग उसमें चलते हैं, आज उनको सुविधाओं की सौगात मिल रही है। रायपुर जैसे रेलवे स्टेशन में 470 करोड़ रुपए का विकास हो रहा है, यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को और देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आज रायपुर के लिए ऐतिहासिक दिन है। आप सभी अपना अपना 470 करोड़ रुपया, ये अब ये मॉडल रेलवे स्टेशन बनेगा। इसके साथ में तिलदा भी जो है एक अच्छा स्टेशन बनेगा। आज प्रधानमंत्री जी भूमि पूजन करेंगे और लगभग 1450 करोड़ रुपया पूरे छत्तीसगढ़ के लिए दिया है, उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का आभार। और आज हम लोग सब धन्यवाद देने के लिए यहाँ उपस्थित है कि इतनी बड़ी सौगात आपने रायपुर और छत्तीसगढ़ को दी है। ये बहुत बढ़िया पहल है जो गवर्नमेंट का तरफ से, इतना बड़ा पहल है, पूरा इंडिया डेवलपमेंट को इसको दिखता है। हम आने वाला दिन में रेलवे का जो स्टाफ एमिरिटीज में भी मोदी जी और गवर्नमेंट ध्यान देगा सोचे, हमारा क्वार्टर्स बहुत हालत इतना ठीक नहीं है, वो भी डेवलप हो जाएगा, मैं उम्मीद करता हूँ। ये तो एक सरकार की अच्छी पहल है जिससे कि जो किसी भी जगह का जो रेलवे स्टेशन होता है वहाँ की पहचान होता है, जिससे कि बाहर से आने वाले जो लोग होते हैं उनको यहाँ के बारे में पता भी पड़ता है, और साथ में इसके होने से लोगों के लिए रोज़गार वगैरह मिलेगा। लेकिन जो कर्मचारी हैं, कर्मचारियों के ऊपर भी ध्यान दिया जाना चाहिए, कर्मचारियों की भी समस्याएँ हैं, क्वार्टरों की समस्याएँ हैं, वैसे तो वो होने से भी बढ़िया रहेगा। गतिविधियों